हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रेलवे ट्रेन इन्फॉर्मेशन यून। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12182 दयोदय एक्सप्रेस के बारे में। इसकी टाइम टेबल, इसकी हॉल्ट, इसकी फेयर्स, इसके और डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए कमेंट किया है खुशी जी ने। दोस्तों, आप भी इस वीडियो को एंड तक देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें, साथ में कमेंट करके जरूर बताया करें हमारी वीडियो को कैसी लगती है, आप और किस ट्रेन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12182 दयोदय एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, इस ट्रेन के ट्रैवल टाइमिंग की अगर बात करें, यह ट्रेन 17 घंटे 20 मिनट का समय लेती है 1026 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर करने में। इसके बीच में इस ट्रेन के 22 हॉल्ट्स पड़ते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकती है। दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, यह ट्रेन अजमेर जंक्शन से जबलपुर तक जाती है। दोस्तों, ये इस ट्रेन के सारे कोच ICF टाइप से। इस ट्रेन में अहमदाबाद से सवाई माधोपुर जंक्शन तक डीजल लोकोमोटिव दिया जाता है और सवाई माधोपुर जंक्शन से जबलपुर तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिया जाता है। दोस्तों, इस ट्रेन का रिवर्सल, लोकल रिवर्सल होता है सवाई माधोपुर जंक्शन पे और कोटा जंक्शन पे। दोस्तों, इस ट्रेन में जनरल क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के कोच होते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन हफ्तों के सातों के सातों दिन चलती है। ये ट्रेन वेस्ट सेंट्रल सेंट्रल रेलवे द्वारा देख रेख की जाती है। ये एक सुपरफास्ट ट्रेन है। दोस्तों, इस ट्रेन के कोच के फेयर्स की अगर बात करें तो इस ट्रेन के जनरल क्लास के कोच का जो फेयर है वो है 276 रुपये अजमेर जंक्शन से जबलपुर तक का। दोस्तों, इस ट्रेन का जो इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग भी होता है उसका 295 रुपये है और जो 200 स्लीपर क्लास का चार्ज है वो 505 रुपये है। जो थर्ड एसी का चार्ज है वो है 1340 रुपये और सेकंड एसी का जो फेयर है वो है 1920 रुपये और फर्स्ट एसी का जो फेयर है वो है 3275 रुपये। दोस्तों, यह ट्रेन अजमेर जंक्शन से 3:25 पर शाम को रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हर दिन हफ्तों के सातों के सातों दिन। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है किशनगढ़। यहाँ पे ट्रेन शाम के 3:53 पर पहुँचती है और 3:55 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन 26 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जंक्शन पर यह ट्रेन शाम के 4:35 पर पहुँचती है और 4:37 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन 80 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है जयपुर जंक्शन। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन शाम के 5:25 पर पहुँचती है, 5:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट का होता है। यहाँ पे ट्रेन 135 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है दुर्गापुरा। दुर्गापुरा में यह ट्रेन शाम के 5:45 पर पहुँचती है और 5:48 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 3 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन 142 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है बनस्थली निवाई। बनस्थली निवाई में है ट्रेन शाम के 6:28 पर पहुंचती है, 6:30 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन 201 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है चौथ का बरवाड़ा। यहाँ पे ट्रेन शाम के 7:03 पर पहुँचती है, 7:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन 245 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है सवाई माधोपुर जंक्शन। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन शाम के 7:45 पर पहुँचती है और 8 बजे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 15 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन 266 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रेन का लोकल रिवर्सल भी होता है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया भी जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज जो होता है वो होता है इंदिरागढ़ सुमेरगंज मंडी। यहाँ पे ट्रेन रात के 8:30 पर पहुँचती है और 8:31 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन 303 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है कोटा जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन रात के 9:20 पर पहुँचती है और 9:35 रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 15 मिनट का होता है। यहाँ पे ट्रेन 375 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, यहाँ पे भी इस ट्रेन का लोकल रिवर्सल होता है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है अंतर में। यह ट्रेन रात के 10:09 पर पहुंचती है, 10:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन 420 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है बारह में। यह ट्रेन रात के 10:30 पर पहुँचती है, 10:32 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन 440 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है अटरू में। यह ट्रेन रात के 10:54 पर पहुंचती है, 10:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों, इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन 470 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है छबड़ा गुगौर।
छबड़ा गोगा और मीरा ट्रेन रात के 11:13 पर पहुँचती है और 11:15 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेन 500 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है रुठियाई जंक्शन। रुठियाई जंक्शन में ट्रेन रात के 12:15 पर पहुँचती है और 12:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेन 538 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है गुना जंक्शन। गुना जंक्शन पर यह ट्रेन रात के 12:45 पर पहुँचती है और 12:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन 559 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है अशोकनगर। अशोकनगर में यह ट्रेन रात के 1:25 पर पहुँचती है और 1:27 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन दोस्तों 603 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है दोस्तों मुंगावली। मुंगावली में यह ट्रेन रात के 2:10 पर पहुँचती है, 2:12 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन 648 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है बिना मालखेड़ी जंक्शन। बिना मालखेड़ी जंक्शन में यह ट्रेन सुबह के 3:14 पर पहुँचती है, 3:16 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन 678 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है सागर। सागर में यह ट्रेन सुबह के 4:15 पर पहुँचती है, 4:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। दोस्तों यहाँ पर यह ट्रेन 748 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है दोस्तों दामो। दामो में यह ट्रेन सुबह के 5:25 पर पहुँचती है, 5:30 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन 826 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है कटनी मुरवाड़ा। यहाँ पर ट्रेन दोस्तों सुबह के 7:10 पर पहुँचती है, 7:15 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन 935 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो सेकंड लास्ट स्टॉपेज होता है वो होता है सीहोरा रोड। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेन सुबह के 7:56 पर पहुँचती है और 7:58 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेन 987 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वो होता है जबलपुर जंक्शन। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेन सुबह के 8:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 पर पहुँच जाती है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेन 1,026 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों ये ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से ये ट्रेन आगे नहीं जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट भी जरूर करें हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और आपका और किस ट्रेन के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।